4 जून को लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व के नतीजे आने के बाद से राष्ट्रीय राजनीति में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सरकार बनाने को लेकर कई सवाल हैं, इसी के साथ ही शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी कई सारे सवाल हैं, क्योंकि इस बार कुछ ऐसे कैंडिडेट्स विजयी हुए हैं जो जेलों में बंद हैं। तो अब सवाल बनता है कि वो कैसे शपथ लेंगे, उनके शपथ लेने का पूरा प्रोसेस क्या होगा, क्या उन्हें शपथ लेने के लिए लोकसभा भवन जाना पड़ेगा। आइए जानते हैं। कुछ ही समय के बाद 18वीं लोकसभा का गठन होना तय है। ईसीआई ने सभी 543 सीटों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस बार के आम चुनाव ने सभी को खूब चौंकाया है। इससे भी ज्यादा चौंकाया है 2 और अहम सीटों के नतीजों ने, जिनमें एक सीट केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की है तो दूसरी सीट आम आदमी पार्टी शासित पंजाब की है। बात सबसे पहले जम्मू कश्मीर की सीट की कर लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद इंजीनियर शेख अब्दुल राशिद ने बारामूला सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। गौरतलब है कि भारत सरकार ने शेख अब्दुल राशिद पर यूएपीए लगाया है। यूएपीए कब लगाया जाता है ये भी जान लीजिए। गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ लगाया जाने वाला ये एक्ट काफी खतरनाक है। इसमें काफी कड़ी सजा का प्रावधान है। इसका दायरा इतना व्यापक होता है कि न केवल अपराधी बल्कि वैचारिक विरोध और आंदोलन या दंगा भड़काने की स्थिति में भी ये एक्ट लगाया जाता है। दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट के असम की डिब्रूगढ़ जेल में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत बंद वारिस पंजाब देव पंजाब के चीफ अमृतपाल सिंह ने पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। ये जी ये सारे पंथली पंजाब लिए बहुत खुशी की गल है कि इस ये जी जो पंजाब के हित च बंदे काम कर रहे थे उन्होंने बदनाम करके तुम इधर सारे लोगों ने इस बहुत बड़ी हिंदुओं ने मुसलमाना ने सारे ने इस बड़ा योगदान पाया। असं सारे के तहे दिल तो धनवादी हाँ तो अगे तो भी उन्होंने विश्वास दवाने कि आप सारे जने मिल के चलेंगे जिदा के विरोधी पार्टियां यहोजे करे जी पंजाब च ये हो जाऊगी अग लग जूगी यह चीज़ों तो ये खुद ही लाना चाहते अग पर आप सारे अग न बुझाने वास्ते आप सारे जने काम करिए यह सारे जने पर रल मिल के जेडे सा हक हकूक है उन्होंने वास्ते लड़िए सारे भाईचारे मिलकर तो ही पंजाब अगे बढ़े। जहां तक इन दोनों लोगों के शपथ ग्रहण के लिए संसद जाने की बात है तो इसके लिए इन दोनों लोगों को कानून के रास्ते पर चलना होगा। भले ही ये दोनों कानून का पालन ना करने के आरोपों में जेल में बंद हैं, पर अब इन्हें कानून ही संसद तक पहुंचाएगा। अमृतपाल और राशिद को शपथ ग्रहण के लिए अदालत जाकर अनुमति मांगनी होगी। अनुमति मिलने के बाद वो कड़ी सुरक्षा घेरे में शपथ के लिए जा सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि लोकतंत्र का तकाजा ये है कि अमृतपाल सिंह और शेख अब्दुल राशिद की शपथ को टाला तो जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। मतलब साफ है कि ये दोनों लोग भी 18वीं लोकसभा में शपथ लेने जा रहे हैं। सुनिए कि इस पूरे मसले पर दिल्ली से सीनियर एडवोकेट और कानूनी विशेषज्ञ विकास सिंह का क्या मानना है। तो क्रिमिनल चार्जेस वाले जो लेजिस्लेटर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली हर पार्लियामेंट का अगर आप आंकड़ा उठाइए तो हर पार्लियामेंट में सीरियस क्रिमिनल चार्जेस वाले और क्रिमिनल चार्जेस वाले जो लेजिस्लेटर्स उनका संख्या परसेंटेज बढ़ती जा रही है। और कभी भी ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के समय कभी नहीं सोचा गया होगा कि ऐसे लोग पार्लियामेंट में इलेक्ट होंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली एक अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत है सर्वसम्मति से कि एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर या कोई टाइप ऑफ चार्जेस में कम से कम लोग जो हैं जैसे करप्शन का चार्ज हो या जो हीनस क्राइम्स का चार्ज हो रेप मर्डर का चार्ज हो टेरर एक्टिविटी का चार्ज हो इनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए कंटेस्ट करने के लिए। कानूनी शिक्षाविदों का मानना है कि पारंपरिक प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले स्पीकर की ओर से उस जेल के अधीक्षक को शपथ ग्रहण समारोह के लिए निमंत्रण भेजा जाएगा जहां किसी सीट से जीता कोई आरोपी बंद है। अमृतपाल सिंह और शेख अब्दुल राशिद के केस में भी ऐसा ही होगा क्योंकि दोनों ही न्यायिक हिरासत में रखे गए हैं, इसीलिए जेल अधीक्षक को भी अदालत को सूचित कर अनुमति लेनी होगी। इसके बाद कोर्ट की ओर से तय की गई सुरक्षा की शर्तों पर शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए अमृतपाल सिंह और शेख अब्दुल राशिद को संसद ले जाने की अनुमति दी जाएगी। सबसे लाजमी बात यह है कि लोकसभा के अंदर जाते ही अमृतपाल सिंह और इंजीनियर शेख अब्दुल राशिद दोनों आरोपी सांसदों को वो सभी अधिकार मिल जाएंगे जो अन्य सभी सांसदों को मिलते हैं। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह हो या फिर संसद का कोई सत्र, जेल से वहां आने जाने के लिए जेल में बंद आरोपी सांसदों को हर बार कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। हर बार पुलिस को उन्हें कड़े सुरक्षा घेरे में संसद ले जाना होगा। वापसी में भी उसी तरह का सुरक्षा घेरा इनके आसपास रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।